Hello and welcome to LK Academy online sessions. I hope you guys are doing great. So, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत important topic banking का, which is digital banking. इसे हम online banking भी बोलते हैं and mobile banking भी बोलते हैं. So, what is digital banking and why it is important? ये हम अब समझेंगे. And also ये ना सिर्फ banking aspirants के लिए important है, but सब common people के लिए बहुत important है, because आजकल आप देखेंगे कि जितना भी online transaction होता है, starting from your ticket booking to your mall shopping to movies to theaters to food to delivery, सभी कुछ जितना भी system आप देखेंगे सब payment online रहता है. Also कुछ new techniques आई है जिसमें भी सारा payment online रहता है. जैसे हाल ही में आपने toll pay करने के लिए जो road service देखा होगा via fastag होने लगा है, या फिर अब हमारे India का खुद का एक payment system start हुआ है which is Rupay. तो Rupay एक India का service provider है. इससे पहले आपने जितने भी कार्ड देखे उस पर माइस्ट्रो या मास्टर कार्ड या वीज़ा लिखा होगा, लेकिन जो रुपए है वो इंडिया का सर्विस प्रोवाइडर है. सो इसी तरह काफ़ी सारे ऐसे पेमेंट मोड होने लगे हैं जो कि सब कुछ ऑनलाइन ही कंट्रोल करते हैं. तो उन सब को समझने के लिए हम देखेंगे कि इंडिया में कैसे फिनेंशियल सिस्टम वर्क करता है एंड कैसे डिजिटल बैंकिंग होती है. सो टू अंडरस्टैंड IFS दैट इज़ इंडियन फिनेंशियल सिस्टम विल गो टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज़ NPCI. Now, what is NPCI? Now, this NPCI stands for National Payment Corporation of India. ये एक organization है जिसे RBI ने start किया है, which means कि यह RBI की guidelines को follow करता है and उसके accordingly ये work करता है. So, NPCI comes under the RBI guideline rules and regulation, जिसके through ये new tools and instrument market में introduce करता जाता है and हमारा payment mode easy होता जाता है. तो NPCI के अंदर और काफ़ी सारे टर्म्स आती है, जैसे UPI विच इज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, फिर आता है भीम दैट इज़ भारत इंटरफेस फॉर मनी, फिर NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, देन कम्स RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, फिर नेशनल फिनेंशियल स्विच स्विफ्ट. बहुत सारी ऐसी टर्म्स है जिसे हम वन बाय वन समझेंगे कि ये कैसे वर्क करता है. बट उससे पहले बैंकिंग के अगेन 5 WH क्वेश्चंस जिस पे हम हमेशा वर्क करते हैं. सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ NPCI? नाउ NPCI स्टैंड्स फॉर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. इसे हम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं. सो इट इज़ एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल द रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया. सो इंडिया के अंदर जितना भी रिटेल पेमेंट हो रहा है या जो भी सेटलमेंट हो रहे हैं वो सब कुछ कंट्रोल होते हैं NPCI के अंडर. नाउ अब देखेंगे व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सेकेंड WH क्वेश्चन इज़ व्हाई? सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज सारे ट्रांजेक्शन अब ऑनलाइन होने लगे हैं और RBI के थ्रू उसकी गाइडलाइंस के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है. सो जितने भी ऑनलाइन पेमेंट है, वेदर वो आपका आधार बिल पेमेंट सिस्टम हो या भारत बिल पेमेंट सिस्टम हो, कुछ भी हो, सो वो सब कंट्रोल करने के लिए हमें एक ऑनलाइन मोड चाहिए और इस सब के लिए एक ऑर्गेनाइजिंग बॉडी चाहिए. तो NPCI उस टाइम इंट्रोड्यूस किया गया. सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. फिर हम थर्ड WH क्वेश्चन देखेंगे, वेयर इट इज़? सो NPCI का जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है. सो इट इज़ अ मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड और स्टार्टेड? सो NPCI शुरू हुआ था हमारे इंडियन फिनेंशियल सिस्टम में December 2008 से. सो एंड लास्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरपर्सन? तो अभी फ़िलहाल NPCI का चेयरपर्सन है विश्वामित्र महापात्र, एंड इसके जो MD एंड CEO है दैट इज़ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो है दिलीप असबे. और ये हम बात कर रहे हैं August 2020 के रिलेटेड. सो जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे उससे पहले आप एक बार इसको अपडेट ज़रूर कर लेना. तो हम कोई भी बैंकिंग का टर्म पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें उसका व्हाट, व्हेन, हु, वेयर ये सब जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ही हम उसको आगे प्रोसीड कर पाएंगे. सो आई होप आपको थोड़ा हिंट हुआ है कि NPCI क्या होता है. हम वन बाय वन इसे और डिस्कस करेंगे. सो होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज़ ट्यून इन टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स.